नमस्कार दोस्तों, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, सर एंड मैडम, आपको अगर घुटने में तकलीफ रहती है और डॉक्टर ने आपको बताया कि आपका घुटना बहुत खराब हो गया है, इसमें ऑपरेशन करने की जरूरत है, इसमें ज्वाइंट रिप्लेसमेंट करने की जरूरत है, तो मैं आपको बताऊंगा कि घुटने के ऑपरेशन में क्या क्या ऑपरेशन होता है। क्या ज्वाइंट रिप्लेसमेंट ही केवल एक ऑपरेशन होता है कि कोई दूसरा भी ऑपरेशन रहता है, और इन डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन में कितने कॉस्ट लगते हैं और कौन आपके लिए बेस्ट होगा, ये आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अंत तक हमारे इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं डॉक्टर रामेश्वर, ऑर्थोपेडिक सर्जन, एंटरप्रेन्योर, सोशल एक्टिविस्ट एंड चेयरमैन ऑफ श्री साई ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल, आई एम प्राउड फादर ऑफ टू सन एंड हस्बैंड ऑफ ए लवली वुमन। एक्चुअली ओल्ड एज में बहुत सारे लोगों को, हमारे बुजुर्गों को घुटने में तकलीफ होती है, जिसके कारण से उनको सीढ़ी चढ़ने उतरने में, नीचे बैठने उठने में, अपने रोजमर्रा के कार्य करने में दिक्कत होती है। उसमें कटकटा आवाज आना, पटपट की आवाज आना बहुत ही कॉमन है। और जब घुटना बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है तो डॉक्टर लोग बताते हैं कि अब ये घुटना ठीक होने वाला नहीं है, इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसका ज्वाइंट बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहला तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ज्वाइंट बदलना घुटने खराब हो जाने पे, इसका कोई एब्सोल्यूट इंडिकेशन नहीं है। एब्सोल्यूट इंडिकेशन मींस इस कंडीशन में तो बदलना ही बदलना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं रहता है। ये तकलीफ आपको उसके कारण से कितनी है, आपका जीवन शैली कितना प्रभावित है, इस पे डिपेंड करता है। अगर आपको बिना दवाइयों के आप अपने रोजमर्रा के कार्य नहीं कर पा रहे हैं, दवाई आपको चाहिए ही चाहिए, तो आपको ऑपरेशन करा लेना चाहिए। अगर आप अपने रोजमर्रा के कार्य बिना किसी के मदद के, बिना किसी के सहारा के नहीं करा पा रहे हैं, तो आपको ऑपरेशन कराना चाहिए। लेकिन फिर भी ये पूरा डिसीजन आपके ऊपर है, क्योंकि ज्वाइंट रिप्लेसमेंट कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं है। मिनिमम एक ज्वाइंट बदलने में, एक घुटना बदलने में 1.5 से 2 लाख का खर्चा पड़ जाता है, मिनिमम बोल रहा है। कोई अच्छे सेंटर पे जाएंगे जहां 5-स्टार फैसिलिटी है तो पैसा ज्यादा भी ला सकता है। और अगर आपको कुछ अलग तरह का इम्प्लांट लगाने की जरूरत है अलग, तो उसमें और भी कॉस्ट पड़ता है। तो अंत तक हमारे वीडियो से जुड़िएगा ताकि ये पता चले आपको कि कौन सा ऑपरेशन आपको कराना चाहिए और क्या केवल घुटना बदलना ही, यानी कि टोटल नी रिप्लेसमेंट ही इसका उपाय है कि कुछ और उपाय। एक्चुअली जब घुटना, मैं बार बार, हमारे बहुत सारे वीडियो भी हैं जिसमें मैंने बताया है कि ये जो ओल्ड एज में घुटना जो खराब हो जाता है, वो इसलिए खराब हो जाता है कि कार्टिलेज डैमेज हो जाता है, और कार्टिलेज एक बार डैमेज हो गया तो फिर से आता नहीं है। वो जो डैमेज हो गया वो परमानेंट डैमेज हो गया। उसका दो ही उपाय है, या तो बचाइए या बदलिए। बचाने के लिए बहुत सारे वीडियोस मैंने बताए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप 50 से ज्यादा वीडियो है कि कैसे आप अपने घुटने को बचा सकते हैं, क्या एक्सरसाइज करना चाहिए, कौन सा एक्सरसाइज करिएगा, वो पूरे इस वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, जरूर देखिए। लेकिन अगर साहब बिल्कुल अब खराब हो गया, अब करना ही पड़ेगा, तो उसमें ऑपरेशन एक ही नहीं, उसमें 3 तरह के ऑपरेशन है। सबसे पहला जो रहता है एसटीओ रहता है, हाई टीबियल ऑस्टियोटॉमी। इसमें ज्वाइंट नहीं बदलते। एक्चुअली आपका देखते होंगे कि जब घुटना खराब हो जाता है तो घुटना टेढ़ा हो जाता है, घुटने के पास ज्वाइंट थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, पैर लग जाता है, घुटना मुड़ जाता है, ऐसे मुड़ जाता है, तो जिसको वेरस नहीं बोलते हैं। अगर वैसा तकलीफ है जिसमें केवल एक साइड का ज्वाइंट ज्यादा खराब हुआ है, जिसमें मीडियल साइड माने अंदर के साइड का ज्वाइंट ज्यादा खराब हुआ है, तो ऐसे में हाई टीबियल ऑस्टियोटॉमी करते हैं। और ये लेटरल क्लोज वेस्ट या मीडियल ओपन वेस्ट ये कर सकते हैं, जिसमें ऑस्टियोटॉमी करते हैं, प्रोक्सिमल टीबिया में ऑस्टियोटॉमी करके अलाइनमेंट सही कर देते हैं और नट बोल्ट से उसको फिक्स कर देते हैं, जिसको हाई टीबियल ऑस्टियोटॉमी करते हैं। और ये ऑपरेशन की सबसे अच्छी बात यह है कि आप अगले स्टेज में जिसमें कम डैमेज है, एक कार्टिलेज एक साइड का ज्वाइंट बचा हुआ है, उसमें ये करा सकते हैं। सबसे अच्छी बात है ये कराने के बाद से ज्वाइंट आपका नेचुरल रहता है, आपके नेचुरल ज्वाइंट को नहीं डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि इसमें ऑफलोडिंग हो जाता है, जिसपे ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है उस पे प्रेशर कम हो जाता है, तो धीरे धीरे वो पार्ट भी हील होता है और लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होने से आपकी तकलीफ में आराम हो जाता है। अगर आपकी उम्र कम है, घुटना थोड़ा टेढ़ा हो गया है, एक ही साइड का ज्वाइंट खराब है, तो आप हाई टीबियल ऑस्टियोटॉमी करा सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि केवल आपके ज्वाइंट का अलाइनमेंट थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं, ज्वाइंट पूरा काट के नहीं निकालते। जबकि टोटल नी रिप्लेसमेंट में क्या होता है, जो खराब ज्वाइंट है पूरा उसको निकाल देते हैं और उसके जगह पे आर्टिफिशियल ज्वाइंट, आर्टिफिशियल उसमें जोड़ बना देते हैं जो मेटल का रहता है, मेटल चाहे उसमें प्रोस्थेसिस का रहता है जिसमें वो बदलते हैं। लेकिन अगर ज्वाइंट भी बदलना है तो एक दूसरा भी ऑप्शन है, जो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, जो मीडियल कंपार्टमेंट, जो अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो मीडियल कंपार्टमेंट को ही बदलते हैं, जिसको हेमी यूनिकम्पार्टमेंट
नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं, यूनिक कंपार्टमेंट रिप्लेसमेंट बोलते हैं, जिसमें एक ही कंपार्टमेंट के ज्वाइंट को काट के निकालते हैं और उसकी जगह पे एक ही क्वाइंट तरफ के ज्वाइंट को बदलते हैं। और तीसरा, जब पूरा डैमेज हो गया है, डिफॉर्मिटी है, तकलीफ है, तो उसमें टोटल नी रिप्लेसमेंट करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो हाई टीबियल ऑस्टियोटॉमी यंग लोग में कर सकते हैं, लेकिन ओल्ड एज में जहां पर हड्डी बहुत कमजोर है तो टोटल नी करना पड़ता है। कॉस्ट में बहुत डिफरेंस है, कॉस्ट में भी बहुत डिफरेंस है। हाई टीबियल ऑस्टियोटॉमी आप अगर एवरेज जगह पे करा रहे हैं 30-40 हजार में आपका हो जाएगा। पार्शियल नी रिप्लेसमेंट 1 लाख के करीब में लग जाता है मिनिमम, और टोटल नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो 1.5-2। ये मैं मिडिल क्लास हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप बहुत बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं जहां पे 5-स्टार फैसिलिटी है तो ये कॉस्ट डबल भी हो सकता है। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया तो तमाम लोग जो घुटने रिप्लेसमेंट कराने जा रहे हैं, नी रिप्लेसमेंट कराने जा रहे हैं, वहां तक ये हमारा वीडियो पहुंचाइए। और आपको नी रिप्लेसमेंट करने की जरूरत ना पड़े इसके लिए हमारे YouTube चैनल पे बहुत सारे वीडियो हैं। आपको घुटने की तकलीफ के लिए, आपको कमर की तकलीफ रहती है, हमेशा रहती है, यंग आदमी है, ओल्ड आदमी है, क्या एक्सरसाइज करना, गर्दन की क्या तकलीफ है, उसके लिए हाथ जाम हो गया, फ्रोजन शोल्डर हो गया, क्या एक्सरसाइज करना, हमारे YouTube चैनल पे जाइए, आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा। और मुझे आशा है कि आपको अगर ये वीडियो मेरा पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप लोग हमारे चैनल पे आते हैं, देखते हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बेल आइकन जरूर दबाइए। और इस डिजिटल एरिया में दिस इज ए ग्रेट गिफ्ट फॉर वी क्रिएटर, जो हम इतना मेहनत करके आपके लिए कंटेंट बनाते हैं, क्योंकि हमको भी रिसर्च करना पड़ता है, थोड़ा समय निकाल के अपने बिजी प्रैक्टिस में से आपको देना पड़ता है। तो मैं डिजर्व करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसे शेयर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू। थिंक हेल्दी, बी हेल्दी।